हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शंभू स्टडजोन। बेटा पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे दो रेशनल नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो आज बेटा की आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, कैसे दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए बेटा, अगर दो रेशनल नंबर आपको दिए हैं ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है बेटा, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम। 3/4 इंटू 3/7। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही रेशनल नंबर हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 3 जा क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, और 4/7 जा क्या हो जाएगा, 28। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम वैसे ही है। इफ़ ए एंड बी एंड सी अपॉन डी, देन ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। अगर बेटा हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स, ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2/3 इंटू 9/2। अब बेटा आपको पता ही है पहली प्रॉपर्टी, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगा। 2 9 जा 80 और 3 2 जा 6। ये किस में है बेटा, रेशनल नंबर में। किस में है, रेशनल नंबर्स में। जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, और अगर उनके हम ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो भी उनके आंसर में उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आप प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं आपको। 7/8 इंटू 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24। अब चलिए इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को चेंज किया हमने, 2/3 इंटू 7/8, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24। ठीक है बच्चों, क्लियर है, सेम प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, व्हाइल मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड एनी ऑर्डर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं, अगर को किसी भी ऑर्डर में तीन रेशनल नंबर्स हैं, तो जो उसका आंसर आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू, ए बराबर लेते हैं बेटा यहाँ पे हम 1/2, 3 इज इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू -3/7 और सी इज इक्वल टू -5/2। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये a के वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रख के पुट करके इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू क्या होगी, चेंज से सेम आएगी। ऑर्डर चेंज करने पर उसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये पहले भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप पिछली वीडियो में भी, ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, केवल साइन का ध्यान रखिएगा, कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस लगाना है, उसकी जानकारी पहले ही आपको दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, आंसर में ए अपॉन बी ही मिलेगा। इट मींस बेटा, अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको वही रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया हमने ले लिया 10/15 इंटू 1, तो बेटा हमको क्या मिलेगा, 10/15 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको आंसर में वही रेशनल नंबर दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स शब्द का यहाँ पे उपयुक्त हो रहा है। इनवर्स का मीन्स आप लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रिसिप्रोकल। ठीक है बेटा, अपोजिट करना है इसका हमको, रिसिप्रोकल करना है। जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया 6/7, तो बेटा इसका रिसिप्रोकल क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी को बोलते हैं। क्या होगा रिसिप्रोकल इसका, 7/6। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। यही इसका क्या, एक दोनों को क्या क्या लाएंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जीरो की। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या से, किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पहले भी बता चुके हैं आपको, वैसे ही जब हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी समझ लीजिए बस ध्यान से, एक मिनट लगेगा। बेटा हमारे पास थ्री रैशनल नंबर है, तीन रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। अब देखिए कैसे इसको अरेंज करते हैं। ए अपॉन बी को ब्रैकेट के बाहर रखा हमने और इनटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब बराबर किसके होगा ये, पहले ए अपॉन बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, सी अपॉन डी में। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, उसका प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया हमने। फिर ए अपॉन बी को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आई, लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, समझ लीजिएगा। ए अपॉन बी ब्रैकेट के जो अंदर है उससे 1/1 मल्टीप्लाई होगा और बीच में अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन वहाँ पे लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे हम आप, चलिए स्टूडेंट आपको तीन रैशनल नंबर देते हैं हम, इसको आप इसमें पुट करके आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि नहीं, ये इनकी वैल्यू आपस में बराबर आ रही है कि नहीं। चलिए 2/3, 4/5 एंड 5/7, ये आपका होमवर्क है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करेंगे, ये तीन रैशनल नंबर आपके दिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा का कैसे वेरीफाई करना है, थर्ड लाइन में आपके दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको आप वेरीफाई खुद से करना है आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द रिसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रिसिप्रोकल बेटा फाइंड करना है, रिसिप्रोकल मीन्स आप लोग समझते ही हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 2/3 इंटू 4/7। अब बेटा पहली ये आपने पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21। अब बेटा रिसिप्रोकल निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 21/8 रिसिप्रोकल कर देंगे इसका, 21/8। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ये होमवर्क है, और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका नाम हम 8th क्लास की अगली वीडियो में ज़रूर से लेंगे, इसलिए इसका अधिक से अधिक स्टूडेंट सही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ज़रूर से ज़रूर करें, ध्यान रखें। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।